हाय गाइस, मेरा नाम है कुणाल लुनारे और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी फाइल्स या वीडियोस को डायरेक्टली गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो। एक्चुअली पुराना मेथड क्या था, पुराने मेथड में आपको कोई भी फाइल या वीडियोस को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ता था। जैसे आप डाउनलोड कर लेते थे वो आपके सिस्टम में जाके स्टोर हो जाती थी। ठीक, फिर आपको क्या करना पड़ता था, अपने स्टोरेज अपने सिस्टम के स्टोर से आपको उसको गूगल ड्राइव में डालना पड़ता था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता था, यहाँ पे आपका डाटा भी जाता था, आपका टाइम भी जाता था, एफर्ट भी जाता था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वीडियोस या कोई भी फाइल्स को डायरेक्टली गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो। बहुत सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है मल्टी क्लाउड, मैं MULTI मल्टी क्लाउड। ठीक, जैसे आप सर्च कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक, यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपने आप को साइन अप करना है। सो गाइज, साइन अप बिल्कुल फ्री है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो साइन अप करो। सो गाइज, जैसे आप साइन अप कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक, अगर आपको अभी भी इस वेबसाइट में आने में प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहाँ से आप जाके आ सकते हो। सो गाइज, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ये गूगल ड्राइव को कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है क्लाउड ड्राइव्स में। आप ड्रॉप बॉक्स भी कर सकते हो, अमेजन भी कर सकते हो, लेकिन हम गूगल ड्राइव करेंगे। फिर गूगल ड्राइव में क्लिक करके नेक्स्ट करो, कुछ भी नाम दे दो इसको, जैसे डेमो LLL कुछ भी। ठीक, जो जो आपको चाहिए, फिर ऐड गूगल ड्राइव कीजिए और ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अलाउ करना है। जैसे ही हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डेमो LL हो गया है, मतलब हमारा गूगल ड्राइव कनेक्ट हो गया है। अब जो भी आपको गाइस डायरेक्टली गूगल ड्राइव में अपलोड करना है, उस फाइल वाइल की या वीडियो की डायरेक्टली क्या करो, लिंक को कॉपी कर लो। फिर जैसी कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे मल्टी क्लाउड के यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अपलोड URL का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, वो URL को पेस्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखो, ये ऊपर चले गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको यहाँ ऊपर वाले मेन्यू में क्लिक करना है, यहाँ URL टैग्स में करना है, फिर हम यहाँ पे देख सकते हो आपका लेटेस्ट जीप यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब गाइस, आप अपने एक बार गूगल ड्राइव को एक बार रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो लिंक दिख जाएगी। आप देख सकते हो लेटेस्ट .zip यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो काफ़ी इजी मेथड है, इससे आपका बहुत सारा डाटा, आपका एफर्ट और टाइम भी बच जाता है। तो गाइस, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी बिंग कॉमर्स चैनल को फॉलो कीजिए फेसबुक में, और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम के पेज में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू।